और अगर आप बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे बैक लुक का, तो बैक लुक आप देख पा रहे होंगे काफ़ी स्पोर्टी आपको मिल जाता है NS125 में, वो मिल जाता है एनालॉग प्लस डिजिटल में, जो कि ब्लू कलर की बैकलीट यहाँ पे लाइट के साथ आता है, न्यूट्रल का लाइट, ABS का लाइट वगैरह आपको मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमारे साथ यहाँ पे दो बाइक्स प्रेजेंट है। एक है यहाँ पे ऑल न्यू बजाज की NS125 का 2022 मॉडल, जो कि ऑरेंज और ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है, बाइक देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। और उस साइड में प्रेजेंट है फ्रेंड्स यहाँ पे ऑल न्यू हमारी बजाज की पल्सर 150 का ट्विन डिस्क मॉडल, जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ट्विन डिस्क ऑप्शंस के साथ आती है और बिल्कुल ही लेटेस्ट 2022 वाला मॉडल है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे दोनों के प्राइसिंग डिफरेंस की, तो फ्रेंड्स 125 का जो प्राइस है वो 1,05,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में एक शोरूम मिलता है, और इसका जो प्राइस है वो 1,15,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में एक शोरूम है। तो दोनों में फ्रेंड्स 10,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स का डिफरेंस है, बट यहाँ पे लुक्स और फीचर्स में आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो चलिए कंपैरिजन को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपने फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे इस वीडियो का, लाइक इनका टारगेट रखते हैं 2,000, और जैसे ही फ्रेंड्स 5 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होगा उसके बाद बिग गिव अवेज आने वाला है चैनल पर, जिसमें कि राइडिंग जैकेट, हेलमेट और राइडिंग शूज़ आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोनों के यहाँ पर फ्रंट लुक के बारे में। तो यहाँ पर आपको जो लाइट्स हैं वो कंपनी प्रोवाइड कर देती है, हेलोजन और इंडिकेटर्स आपको बल्ब में मिलता है। और फ्रंट लुक यहाँ पे फ्रेंड्स इसका जो है वो काफ़ी यहाँ पे मस्कुलर लगता है देखने में, और ये फ्रेंड्स पूरा नेकेड वाला फील आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको लाइट जो है वो हेलोजन में मिलता है, पायलट लैंप्स भी कंपनी बल्ब में प्रोवाइड करती है, इंडिकेटर्स भी आपको बल्ब में मिलता है, और वाइजर यहाँ पे आपको टॉल मिल जाता है। तो डिज़ाइन आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स आपको कुछ इस टाइप का यहाँ पर मिल जाता है। और फ्रंट से अगर बात करते हैं तो दोनों बाइक्स में कंपनी टेलीस्कोपिक फोक्स आपको प्रोवाइड कर देती है, और MRF के आपको टायर्स मिलते हैं। अलॉय व्हील्स का अगर आप डिज़ाइन देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे आपको फ्रेंड्स डिज़ाइन में अलॉय व्हील्स मिलता है, जो कि फ्रेंड्स थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम लगता है NS125 का। बाकी टायर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 90x90 का 17 इंच का टायर मिलता है, और यहाँ पे जो आपको टायर्स मिलता है वो 80x100 का 17 इंच का कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो टायर्स यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो वाइड देखने को मिलता है उसके कंपेरिजन में। बाकी अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पे लुक्स देखते हैं तो ओवरऑल में आपको सिमिलर ही यहाँ पे देखने को मिलेगा, बस अलॉय व्हील्स के डिज़ाइन जो है उसमें आपको डिफरेंसेस मिलेगा। बाकी इस साइड से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको किक मिल जाएगा 125cc का, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिकली कार्बोरेटेड इंजन मिलता है, और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको 150cc का फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलेगा, और ये फ्रेंड्स आता है बिना किक का। तो यहाँ पे आपको किक का ऑप्शन नहीं मिलेगा, उसके लिए फिर आपको सिंगल डिस्क मॉडल के साथ जाना होगा। बाकी रेयर से बात करते हैं तो टेल लाइट्स का डिज़ाइन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 125 की आपको बैजिंग मिल जाती है, NS125 की यहाँ पे 150 की बैजिंग मिलती है। और अगर आप बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे बैक लुक का, तो बैक लुक आप देख पा रहे होंगे काफ़ी स्पोर्टी आपको मिल जाता है NS125 में, और उसमें फ्रेंड्स आपको जैसे कि आप देख पा रहे होंगे टायर हगर वगैरह नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा ये जो है ना ये ज़्यादा स्पोर्टी लगता है फ्रेंड्स बैक से देखने में। और स्प्लिट में सीट आपको दोनों बाइक्स में मिल जा रही है, साइड स्टैंड मेन स्टैंड मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो डिस्क ब्रेक्स नहीं मिलता है फ्रेंड्स NS125 में रेयर में, यहाँ पर बस ड्रम ब्रेक का ही ऑप्शन कंपनी दे रही है। और रेयर में यहाँ पे 100x80 का आपको टायर मिल जाता है 17 इंच का, और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको 120 सेक्शन का टायर मिलता है 120x80 का, और ये ब्लॉक पैटर्न टायर्स है। यहाँ पे आपको मोनोसॉक्स कंपनी प्रोवाइड करती है रेयर में, जो कि एडजस्टेबल है, और यहाँ पे आपको शॉक एब्जॉर्बर्स मिलता है। तो ये एक आपको यहाँ पे डिफरेंस जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी फ्रेंड्स बैक लुक जो है काफ़ी इनहेंस हो जाता है मोनोसॉक्स के कारण, यहाँ पर आपको मिल जाता है टेल टाइडी, और यहाँ पर आपको नॉर्मल फ्रेंड्स मिलता है तो थोड़ा ज़्यादा स्पोर्टी लगता है। इसमें फ्रेंड्स आपको अंडर बेली एग्जॉस्ट मिलता है, जो कि दिखेगा नहीं, यहाँ पे आपको एक बल्कि सा एग्जॉस्ट मिलता है जो कि मैट ब्लैक में आ रहा है। तो लुक्स आप देख सकते हैं दोनों ही बाइक्स का आपको कैसा मिल रहा है। बाकी इस साइड से अगर बात करते हैं तो टैंक पैड आपको दोनों बाइक्स में कंपनी प्रोवाइड कर रही है, और इस साइड से आपको दिखेगा फ्रेंड्स दोनों में ओपन चेन सिस्टम आपको मिल जाता है। साड़ी गार्ड दोनों ही बाइक्स में आपको कंपनी फिटेड मिलेगा, जो कि अब कंपलसरी है। और यहाँ पर भी फ्रेंड्स आपको 5-स्पीड गियरबॉक्स का सेटअप मिलेगा, यहाँ पे भी कंपनी आपको सेम प्रोवाइड करती है 5-स्पीड गियरबॉक्स का सेटअप। यहाँ पे आपको जो मीटर मिलता है वो मिल जाता है एनालॉग प्लस डिजिटल में, जो कि ब्लू कलर की बैकलीट यहाँ पे लाइट के साथ आता है, न्यूट्रल का लाइट, ABS का लाइट वगैरह आपको मिलता है। यहाँ पे आपको पास मिल जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे हाई बीम, लो बीम, हॉर्न वगैरह आपको मिल रहा है। इस साइड में इंजन किल स्विच और सेल्फ आपको मिलता है। तो अब डिज़ाइन जो है वो देख पा रहे होंगे ओवरऑल में यहाँ पे फीचर जो है वो आपको सिमिलर ही मिलेगा, उसमें भी एनालॉग प्लस डिजिटल में ही मीटर आपको मिलता है। वहाँ क्लिप ऑन में हैंडल बार कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है, यहाँ पे भी आपको क्लिप ऑन में हैंडल बार मिलता है। और दोनों ही बाइक फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्पोर्टी लग रही है, सारी बैकलीट जो है वो कीज़ आपको मिलती है, पास, हाई बीम, लो बीम, हॉर्न, सेल्फ वगैरह सब आपको सेम मिलता है। तो यहाँ पे मेजर में जो भी डिफरेंस है फ्रेंड्स वो आपको मिलेगा प्राइसिंग में, और यहाँ पे फ्रेंड जो आपको डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा माइलेज में भी और पावर में भी। तो माइलेज की बात करते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड्स NS125 का जो माइलेज है वो आपको मिलेगा फ्रेंड्स यहाँ पे 45-50 के अप्रॉक्स में, और पल्सर 150 का जो माइलेज है ये आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स 40-45 के अप्रॉक्स में। बाकी आपकी राइडिंग स्टाइल पे भी डिपेंड करेगा कि आप किस हिसाब से राइड कर रहे हैं, आपने बाइक को कितना मेंटेन रखा है।
तो आप अपने यूजर्स के हिसाब से देख लें, लुक्स के हिसाब से देख लें। और अगर आप फ्रेंड्स 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा स्पेंड करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा पावर मिल जाएगा, थोड़ा और यहाँ पे आपको मस्कुलर लुक्स मिल जाएगा। और दोनों ही बाइक्स देखा जाए तो काफ़ी अच्छी है अपने सेगमेंट में। आपको कौन सी बाइक अच्छी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में बस यही था, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।